हम कल यहीं पे रुके थे, पन्नू गेस्ट हाउस, येरा बाइक, और यहाँ का रूम ठीक ठाक है, खाना भी ठीक ठाक है। और बाइक कल हम यहाँ पे पार्क किए थे, तो यहाँ से तावांग है 177 किलोमीटर। तो फिलहाल तो भाई यहाँ पे 7 डिग्री टेम्परेचर है, और अभी जाएंगे हम सेलापास। सेलापास यहाँ से 100 किलोमीटर है, और भाई वहाँ पे पूरा रोड पूरा बर्फ़ है, तो आज पूरा मज़ा आएगा। अभी हम निकल रहे हैं बोमडिला से, और यहाँ जाएंगे सीधा सेलापास। सेलापास यहाँ से 100 किलोमीटर है, और आज का टारगेट तो है तावांग का, बट देखते हैं तावांग पहुँच पाते हैं या नहीं। अभी ऑलमोस्ट 9:30 और मॉर्निंग का टाइम ऐसा है। तो कल हमने बोमडिला में स्टे किया था, और रात को हम पहुँचे थे अराउंड 7, तो रास्ते में थोड़ा लेट हो गया, लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहाँ से 2.5 घंटा पूरा बर्बाद वेट करे। फिर जब रोड क्लियर हुआ तब हम रिटर्न आए। और बाकी रहा क्या, अभी तो गूगल मैप बता रहा है तावांग लगेगा ऑलमोस्ट 5 आवर्स, तो मुझे तो लगता है भाई 5 आवर्स में नहीं होगा। तो आप जैसे भी तैसे भी राइड करो 7 आवर्स तो लगेगा। तो टाइम तो दिखा रहा है 2:42 PM, बट मुझे डाउट है क्योंकि हमको सेलापास में रुकना है, वहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाना है, वहाँ पे बहुत बर्फ़ है आज, तो मज़ा आएगा पर आज। और वहाँ पे दो घंटा तो स्पेंड करेंगे, उसके बाद 2 घंटे के बाद हम सीधा चले जाएंगे तावांग। तावांग में हम स्टे करेंगे 2 डेज सोच रहे हैं ऐसा। भाई गाइज पूरा मज़ा आने वाला है। बोमडिला का मॉर्निंग व्यू ऐसा है, अब हम 6 बजे उठे तभी धूप हो रहा था, मतलब कि यहाँ पे आपको आना है तो आपको 4:50 तक पूरा उठ जाना है, नहीं तो आप व्यू एंजॉय नहीं कर पाओगे। अभी 9:30 है, व्यू ऐसा है बोमडिला का व्यू। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे कॉटेज है, तो आप सोच रहे हो कि भाई भालुंगपोंग से आप एक दिन में तावांग चले जाओगे, तो पॉसिबल नहीं होगा, बीच में आपको कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा। तो आप दिरांग में स्टे करो, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट होगा भालुंगपोंग से दिरांग। मेरे ख्याल से दिरांग बेस्ट है। हमारे पास कल टाइम नहीं था, रात हो गया था, तो हमने बोमडिला में स्टे किया, नहीं तो हम दिरांग में स्टे करते। तो बोमडिला में आपको जो रूम है, बोमडिला का जो रूम चार्जेस है आपको 1000 रुपीज़ से लेके 3000-4000 तक भी रूम मिल सकता है, आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा रूम चाहिए। नहीं तो भाई जगह एक नंबर का है, यहाँ पे खाना भी ठीक ठाक मिलता है, मतलब कि इतना एक्सपेंसिव खाना नहीं है। कल हमने चिकन मील ऑर्डर किया, तो हमको पर चिकन मील चिकन थाली पर थाली 220 रुपीज़ पड़ा, चाय का 20 रुपीज़ पड़ा। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमने लिया था 2 पूरी, बड़ा बड़ा पूरी, मैंने वीडियो में दिखाऊंगा, और सब्जी और भाजी, ये सब मिला के 60 रुपीज़ पर प्लेट। तो जितना भी देते हैं मतलब कि आप उतना सफिशेंट है खाने के लिए, और बाकी से बढ़िया है। अभी तो हम जा रहे हैं, अभी नीचे एक पेट्रोल पंप है,
वहाँ पे टैंक फुल करेंगे। मेरा तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं अभी अभी, मतलब कि 2 स्टीक ही कम हुआ है, तो देखते हैं यहीं पे पेट्रोल रास्ते में आएगा तो पंप तो फुल करेंगे, नहीं तो भाई सीधा चल जाएंगे। ऐसा नहीं है रास्ते में और भी पेट्रोल पंप है। कल मैं रात को आया था तो ये व्यू मैं नहीं दिखा पाया था, अभी दिखा रहा हूँ। देखो इधर कौन, अरे ऊपर है ना, ऊपर हाँ, तो हम नीचे से आए थे भालुंगपोंग से। तो ये है दिरांग 47, सेलापास 110 किलोमीटर, जोंग 136, तावांग 183। भाई ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया। अभी दिरांग आ गया है, वेलकम टू दिरांग जोंग जोंग। तावांग 144 किलोमीटर। भाई लोग यहाँ पे, यहाँ से तावांग 127 किलोमीटर है। भाई व्यू ज़बरदस्त है भाई, वाह। साइड में तो देखो, लेफ्ट साइड में, वाह। इसी रोड का मैं इंतज़ार करता था अभी तक भाई, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा है रोड। तो साइड में, लेफ्ट साइड में पूरा ये, सामने एक ब्रिज भी है, हरन ब्रिज, बट वहाँ पे नहीं जा रहे हैं हम, रिटर्न आने के टाइम जाएंगे। फिलहाल अभी लेट हो जाएगा तो पहुँचने में क्या कर सकते हैं। अभी मुझे अभी यहाँ से सेलापास से 49 किलोमीटर, जो कि 1.5 घंटा लग जाएगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ फ़ोटो वोटो वीडियो वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद तावांग जाएंगे। तो लेट तो पक्का हो जाएगा, शाम हो जाएगा, 6-7 तो बच जाएगा तावांग में। से और 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तो नहीं, 18 किलोमीटर होगा शायद सेला टॉप। भाई पूरा हाइट में आ गए हैं, हालत पूरा टाइट, पूरा टाइट गाइज। अब कहीं पे तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं ग्लोव्स चेंज करूँगा थोड़ा, मेरा जो ये वाला ग्लोव्स है ना, काम का नहीं है। और इसके ऊपर मैं राइडिंग ग्लोव्स जो है वो चढ़ा दूँगा, तो थोड़ा गर्माहट मिलेगी। तो ये है सेला वॉरियर्स, यहाँ पे लेंगे एक फ़ोटो। तो भाई लोग मैं अभी हूँ बैसाखी में 11,000 फीट के ऊपर, और यहाँ पे सेला मतलब के पोस्ट है, आप यहाँ के फोटो भी ले सकते हो। हमारे बैकग्राउंड में देखो गाइस क्या सीन है, पूरा फॉग। और मेरा बैक कैमरा ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है अभी, फिर आप देखो। तो आप देखो बैक कैमरा क्या सीन है भाई, गजब का व्यू। अब यहाँ से सेला टॉप है 16 किलोमीटर, खतरनाक व्यू, क्या बोलूँ आपको। और ये प्लेस का नाम है बैसाखी, ज़बरदस्त व्यू। चलो तो गाइज अभी सीधा जाएंगे सेला टॉप, यहाँ से 16 किलोमीटर है, यानी कि बैसाखी से 16 पॉइंट है सेला टॉप। तो भाई सेला टॉप में ख़तरनाक व्यू देखने वाले हैं आज, वहाँ पे पूरा आईसी आईसी है। और टाइम हो गया गाइज 12:46, और ख़तरनाक व्यू आप देख सकते हो। कुछ रोड कुछ क्लियर नहीं है, फोर इंडिकेटर लगा देता हूँ। और ये पूरा आर्मी एरिया है, तो यहाँ पे ड्रोन्स फ्लाई करना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, तो भूल कर कर भी ट्राई मत करना। नो मार्क्स नो एंट्री टोइंग टाइगर्स। तो भाई साहब ओम नमः शिवाय। तो भाई एक तो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, ऊपर से गाड़ी इतना नीचे आ रहा है कि पूछो मत, पूरा मन मतलब पूरा अलर्ट होके बाइक चलाना पड़ता है।
सेला टॉप 5 किलोमीटर है भाई, क्या बोलूँ, खतरनाक एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल का है भाई मेरा। पूरा देख सकते हो पूरा आइस है, थैंक गॉड रोड के ऊपर आइस नहीं है। ओ भाई क्या व्यू है, सेला 1 किलोमीटर ये आगे रखिया काटा। गाइस मैं अब सेला टॉप में हूँ, देख सकते हो क्या सीन है अभी, ये लेक है पूरा आइस हो गया है। तो गाइस मैं अभी फाइनली सेला टॉप में पहुँच गया हूँ, और भाई यहाँ का सीन भाई ज़बरदस्त है, देखो क्या बोलूँ आपको, मस्त व्यू है। मैं थोड़ा बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है भी यहाँ पे। तो गाइस देखो ये मेरा बाइक है और सामने का व्यू मस्त, और ये सेला का एंट्री है। क्या फोन है वो? I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. अभी हम जा रहे हैं
तवांग। तो यहाँ का फोटोशूट वगैरह सब मैंने ले लिया है। अभी मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो क्या व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। सेला पास में बहुत ही मज़ा आ गया गाइस, क्या बोलूँ, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आप ज़रूर आओ और बाइक में ही आना, फिर बाइक में जो मज़ा है और किसी में नहीं।